एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाहिद यूनिक वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारे से शक्कर पारे की रेसिपी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। इसके लिए हम लेंगे एक कटोरी गर्म दूध और एक कटोरी इसमें हम शक्कर डालेंगे और आधा कटोरी देसी घी। इसको हम डाल देते हैं देसी घी को और अच्छे से हम अब एक स्पून की हेल्प से इसको मिक्स करेंगे। इसमें अच्छे से शक्कर घुल जाए हमें तब तक मिक्स करना है। लगभग एक से डेढ़ मिनट में हमारी शक्कर दूध में अच्छे से घुल जाएगी क्योंकि हमारा दूध अच्छा सा गर्म हो गया है। देखिए अच्छा सा गाढ़ा हो गया है शक्कर के साथ मिलकर। अब हम इसमें 2 कप मैदा डाल देंगे। अब जिस कप से या कटोरी से अगर मैदा लेंगे उसी से आपको चीनी लेनी है, उसी से आपको घी लेना है, उसी से आपको दूध भी लेना है ताकि मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहे। इसको हम थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से बैटर तैयार कर लेते हैं, मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। हम एक साथ नहीं डालेंगे वरना इसमें लम्स आ जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे स्पून से। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आएंगे अगर आप इस तरह से करेंगे तो। हम अपना सारा मैदा डाल देंगे बाउल में और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम इसको हाथों से भी मिक्स कर देते हैं ताकि बिल्कुल भी इसमें कुठलियां ना हो। हमारा बैटर देखिए अभी बहुत ही हल्का आपको दिख रहा है कि ये बहुत गीला है, लेकिन अभी आप इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 2 घंटे बाद देखिए हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए अच्छा से टाइट हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसमें हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर 1-2 पंचेस लगा लेते हैं ताकि हमारा जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे और भी अच्छा तैयार हो जाए। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम यहाँ इससे शक्कर पारे बना लेते हैं। एक हम पोर्शन ले लेंगे, इसे हम पराठा लेते हैं, इतनी बड़ी से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी एक लोई लेते हैं। इसको हम इस तरह से, इसे हम रोटी बनाते हैं घर पर उस तरह से ही हमें इसे बेलना है। थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे हम मैदा और बिल्कुल जैसे पेड़ा बनाएंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं, बहुत ही ईजी है ये। इस तरह से हम इसको गोल गोल बेल लेंगे। हमें इसको ना ही ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है ये, आराम से बिल्कुल आटा गूंथ जाएगा, हमारी रोटी तैयार हो जाएगी। इसको हम कट कर लेंगे अब स्क्वायर शेप में। आप चाहें तो अपने मनचाहे शेप में भी इसको कट कर सकते हैं या आप किसी कुकी कटर से भी इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में शक्कर पारों को कट कर दिया है। इसी तरह से हम सारे शक्कर पारे तैयार कर लेंगे। अब हम इसको डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहे तो घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए हम इस तरह से ही, हमें शक्कर पारे की मोटाई चाहिए, ना ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको मीडियम आंच पर एकदम इसको हम फ्राई करेंगे। एक एक करके हम इसमें डाल देते हैं और धीरे आंच पर ये धीरे धीरे बिल्कुल खस्ता करारे से हमारे शक्कर पारे रेडी हो जाएंगे। ये देखिए इसमें अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसे टर्न करते जाएंगे। ये देखिए बाकी बचा हमारा डो है उसको हम इस तरह से ही रेडी कर लेते हैं और फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये बैच भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट पर बाहर निकाल लेते हैं। हमारे शक्कर पारे बिल्कुल रेडी हैं। आइए मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने परतदार हमारे शक्कर पारे रेडी हुए हैं।
देखिए इसको हम तोड़ते हैं। अब इसमें इस तरह की परत बनकर तैयार हुई है कि बहुत ही परफेक्ट बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।